अध्यात्म ज्ञान विज्ञान पताका विश्व में फहराने वाली प्रभु प्रेम और विश्व शांति का पथ दर्शाने वाली हर दिल की धड़कन बार बार यही कहेगी विश्व वंदनीय दादी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी, सारी दुनिया तुमको याद करेगी। १९१६ इतिहास का वह दिन जब परमपिता परमात्मा ने अपने बगिया के सबसे खूबसूरत फूल को इस धरती पर भेजा। सिंध हैदराबाद के सिंधी परिवार में जन्मी दादी जानकी जी इस दुनिया में जगत नियंता का वह उपहार थी जिसने अपने संपर्क में आने वाले कई आत्माओं का जीवन आलोकित किया था। अपन को भी भगवान का प्यार मिलता है ना, बड़ी खुशी होती है, वो खुशी अमर है। बचपन से ही दया और सद्भावना के संस्कार आपके हर कर्म में छलकते थे। गरीबों और मरीजों की सेवा करने से आपको बड़ा सुख मिलता था। साथ ही बाल्यकाल से ही प्रभु प्रेम में आपका मन स्वतः लगा रहता था। पूजा पाठ व्रत आदि करने में आप स्वरुचि से भाग लेती थी। फिर आया 1937 का वह दिन जब भाग्य विधाता ने आपको अपने भागीरथ ब्रह्मा बाबा से मिलवाया। एक दिन अपने लौकिक पिताजी के साथ टहलते टहलते आप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिली और बस उनकी एक दृष्टि ने बिना कुछ बोले आपको अपने सत्य पिता परम पिता से जोड़ दिया। आपने उन्हें ही अपना सच्चा पिता मान ओम मंडली में जाना शुरू किया। ब्रह्मा बाबा से बहुत गुहा ज्ञान योग की पालना करते हुए आप आध्यात्मिकता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और फिर कुछ ही दिनों में तन मन धन से बेहद यज्ञ में समर्पित हो गई। आप हैं इसीलिए हम सब लोग शायद इतने खुश हैं। दुनिया में आपकी सेवा हमेशा बेमिसाल रही है। आपको शुरू से ही ज्ञान योग की पढ़ाई में नंबर वन जाने की लगन रही क्योंकि आपको लगता था कि एक वर्ष पीछे आने की वजह से आपने वैसे ही बहुत कुछ खो दिया है। इसके प्रत्युत्तर में बाबा ने आपको दिन में 12 बार मुरली पढ़ने का सुझाव दिया और आपने कहा, बाबा मैं दिन में 24 बार मुरली पढ़ूंगी पर मुझे नंबर वन में जाना है। इसी तरह दिन रात 14 वर्ष तपस्या करके आप सबके लिए उदाहरण मूर्त यज्ञ की आधार मूर्त बन गई। तत्पश्चात ब्रह्मा बाबा के आज्ञा अनुसार आपने भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवा के लिए बीज बोए। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, अमृतसर, बीकानेर, अंबाला आदि अनेक स्थानों पर दादी ने ईश्वरीय सेवा की नींव रखी। साकार बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात आपने बाप दादा की श्रीमत प्रमाण विदेश सेवा में परमात्म अलख जगाने की तैयारी की और सन 1971 में सात समंदर पार ईश्वरीय सेवाओं के बीज बोने चल पड़ी। न भाषा का ज्ञान, न रीति रिवाजों की मालूमात, बस एक बल के भरोसे के आधार पर आपने विदेश सेवाओं में शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर परमात्मा को विश्व का पिता बना दिया। एक बाबा और बाबा की मुरली, बस यही आपके जीवन के आधार थे। सच्चाई और सफाई आपके जीवन के दो मूल मंत्र थे। सब कुछ करते हुए भी सदा न्यारी और भगवान की तथा सबकी प्यारी बनी रही। ट्रस्टीपन के इस विशेष गुण की वजह से ही बाबा आपको जनक बेटा कहकर बुलाते थे। विदेश के कोने कोने में दादी परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहराना चाहती थी, इसीलिए अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष दादी जी ने विदेश सेवा को अर्पित कर दिए। तब उन्हें सब विदेश की दादी के नाम से ही जानते थे। जो काम दादी जानकी ने किया दुनिया का बड़े से बड़ा सेनापति नहीं कर सकता है।
फिर सन 2007 में दादी प्रकाशमणि जी के देहावसान के पश्चात आपको संस्था की मुख्य प्रकाशिका के रूप में नियुक्त किया गया और आपने आज्ञाकारी सेवाधारी की तरह इस पद को संभालते हुए बेहद सेवा की बागडोर अपने हाथ में ली। देखते ही देखते दादी जानकी जी सबके जान की अर्थात सबकी दिल पसंद बन गई। शरीर की आयु बढ़ती गई और साथ ही बढ़ता गया दादी जी के मन में सेवा का उमंग उत्साह। चुस्ती इतनी कि जवान इंसान भी देखकर हैरान हो जाए। अंतिम दिनों तक भी दादी मुरली सुनाना और सबसे मिलना इस सेवा में तत्पर रहे। दधीचि ऋषि का जीवंत मिसाल थी दादी जी। हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करते हुए 104 वर्ष की आयु में 27 मार्च सन 2020 को दादी अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हुए अपने प्राण प्यारे बाबा की गोद में समा गईं। बाबा के प्रति अटूट प्यार और यज्ञ सेवा में ईमानदार यही दादी के जीवन के आधार थे। बाबा के ज्ञान के हर बिंदु को उन्होंने स्वरूप में लाकर उतारा। शांति की शक्ति को ऐसा धारण किया जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब जीता। दादी जी के जीवन की किताब का हर पन्ना प्रेरणा से सराबोर है। ऐसी प्यारी दादी को उनके प्रथम स्मृति दिवस पर आइए दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके पद चिन्हों पर चल पुरुषार्थ के सफर को तीव्र करते हैं।